बाय बाय। हेलो गाइस। हे गाइस। कुछ मुस्लिम लोग थे ट्रेन में और भाई उनकी नमाज का टाइम था तो वो ट्रेन के एक कोने में बैठ के अपनी नमाज पढ़ रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस आप देख रहे हो भाई वेदी ब्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस भाई दोपहर हो चुकी है और आज है भाई हमारी ट्रेन गोहाना के लिए, मतलब हीराकुंड एक्सप्रेस जो कि खरसिया से जाएगी पानीपत। तो दिल्ली उतरते थे भाई लेकिन ये सीधी मिली है तो फिर यही कर आई थी हमने बुक। तो क्या नाचो भाई? तो पानीपत की है तो फिर अब चलते हैं, पहले मार्केट कुछ सामान ले आते हैं और फिर कुछ नाश्ता वगैरह करके और फिर शाम को। फिलहाल एक घंटा ट्रेन लेट है तो देखते हैं कब तक आएगी ट्रेन और फिर निकलते हैं और फिर देखते हैं कैसी रहेगी हमारी जर्नी। यहाँ भाई बहुत मज़ा आया तो मिलते हैं फिर आपको। तो भाई फिलहाल जा रहे हैं हम खरसिया में पान खाने, फेमस जुगाड़बाजी तो भाई सारे के चल रही है क्योंकि खरसिया में फाटक पे जाम लगेगा तो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मेरी जान, हाँ मेरी जान, ये निकाल लिया भाई। हम ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि भाई हम रूल नहीं तोड़ते। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। क्योंकि हमारा शीशा टूट जाएगा इसलिए। पार्टी बदल लिया साला। ठीक है मामा जी, बाय, मिलते हैं फिर। ठीक है जिया जी, मिलते हैं। ठीक है, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको यूट्यूब पे। इनकी तो डिग्गी में जगह भी नहीं है, घुसाओगे? ये देख लो भाई, बस के पैसे बचाने पे लग रहे हैं सारे। कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। तो गाइस भाई अब चलते हैं और हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है, गाड़ी निकल चुकी है और फिर करते हैं बाय बाय। बाय बाय। हेलो गाइस। हे गाइस। बाय बाय टाटा। बाय गाइस। बाय बाय। बाय। मजा आया? बिल्कुल भैया बिल्कुल। चापा से निकली ट्रेन और लेटे हैं भाई अपना चद्दर वद्दर बिछा के और मामा जी भी हैं साथ में और जीजू भी हैं जो कि अजमेर जाएंगे तो फिर मिलने चलेंगे उनसे भी थोड़ी देर में। अभी लेटा हूँ भाई, सर्दियों में एसी में ट्रेवल करने का मजा भी अलग है यार। क्या हुई? गुड मॉर्निंग, गला ही बैठ गया यार। तो वही रात को सोए थे और अब उठा हूँ। फिलहाल है झांसी स्टेशन पे। वो तो मर्दानी झांसी वाली रानी जी। और मामा जी के पास ही जा रहा हूँ भाई। पता नहीं बहुत भयंकर नींद आई यार, बहुत क्योंकि बहुत दिनों से थकान देना तो बहुत भयंकर नींद आई। तो अब चल रहे हैं भाई और देखते हैं आज कौन से वाले। लेट चल रही है, 4:30-5 बजे तक का टाइम है तो फिर देखते हैं। और ये मिले मामा जी और जिया जी, सामान ले रहे हैं कुछ तो फिर खाते हैं कुछ नाश्ता करते हैं यार। और ब्लॉग भी नहीं एंड हो पाया तो मैंने सोचा इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ। गला बैठ गया यार बहुत भयंकर वाला। ये समस्या है। भाई फिलहाल है हजरत निजामुद्दीन और हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है। पानीपत जहाँ 4 बजे पहुँचाना था वहाँ 8 बजे पहुँचाएगी। और भाई मतलब निजामुद्दीन से एक किस्सा याद आ गया। कल रात को शाम को कुछ मुस्लिम लोग थे ट्रेन में। फिर क्या हुआ? और भाई उनकी नमाज का टाइम था तो वो ट्रेन के एक कोने में बैठ के अपनी नमाज पढ़ रहे थे। तो भाई अपने भगवान को जब भी टाइम लगे जहाँ भी टाइम लगे याद करते रहो क्योंकि भाई भगवान हर जगह है। ये नहीं देखते कि हाँ ट्रेन में हूँ, मैं घर पे हूँ, मंदिर में हूँ, मस्जिद में हूँ, जहाँ भी टाइम लगे याद करते रहो। तो चलो फिर वेट करते हैं कब तक पहुँचाएगी ट्रेन हमारी। और खड़ी है यार, बहुत लेट कर दिया यार, बहुत लेट कर दिया। ये जो आजो 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 भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। गाइस भाई फाइनली पानीपत पहुंच गए हैं
और टाइम था 4 बजे और फिलहाल टाइम हो रखा है 9:15, मतलब 5.25 घंटे लेट है ट्रेन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। शिकायत भी एक रेलवे से, जो मतलब वीडियो देख रहा हो तो कोई अधिकारी भाई, किसी को मतलब अगर ट्रेन पकड़नी हो, किसी की ट्रेन हो तो यार वो तो छूट जाएगी और अगला वो परेशान होएगा, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं वो तो देखो, तो ऐसे ना करो यार। अगर आपकी लाइन नहीं मिल रही तो ट्रेन बंद कर दो, या मतलब 1/2 घंटा 1 घंटा लेट हो सकती है, वरना 5-5, 6-6 घंटे ट्रेन लेट हो रही है। मैं दूर गया वहाँ भी और अब भी, गलत बात है। और भाई ट्रेन में एक प्यारी सी बच्ची भी थी, आपने क्लिप देखोगे तो बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। उनके फैमिली में मतलब अच्छा नहीं हो रहा जहाँ तक मैंने बात सुनी थी, तो ऐसे यार गलत ना करो कोई भी। उसका पापा परेशान कर रहा, उसकी मम्मी को गाली भी दे रहा था, मार पिटाई भी की है। औरत पे हाथ उठाना ये गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना, ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं। तो यार जो भी बात है भाई, ठीक है सुलझा लो अपनी प्यार से। तो भाई फिर मिलते हैं आपको किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।